अस्सलाम वालेकुम गाइस, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इस वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 होगा और नेक्स्ट दो वीडियो में चैप्टर नंबर 8 और हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह कल जो है वो कैलकुलेटर की वीडियो आएगी, परसों जो है वो MCQ उसकी ट्रिक्स होंगी और उसके साथ ही दुआएँ होंगी और दैट्स इट। NAD से रिलेटेड हर चीज़ मैंने कवर करवा दी होगी 15 तक, ठीक है। तो 15 वो दिन है जब मैं NAD से रिलेटेड हर चीज़ आप लोगों को कंप्लीट करवाई होगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैलकुलेटर और टिप्स एंड ट्रिक्स, MCQs की एंट्री टेस्ट से रिलेटेड हर चीज़ इंशाल्लाह। तो आखिरी दो चैप्टर रह गए, इनको भी ख़त्म करते हैं जान छूटे। तो ग्रुप्स है, ये सबसे वो चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को हम मिला दें, और उसको इग्नोर करना थोड़ा बनता भी है क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स है, काफ़ी बोरिंग है, लेकिन स्टिल एक टीचर का फ़र्ज़ होता है कि वो पूरे कोर्स को पढ़ाए, चाहे वो अच्छे चैप्टर हों बुरे हों जो भी हों, ठीक है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे पक्का यकीन है किसी को नहीं पता कि ग्रुप्स क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा मतलब डिटेल में समझा दूँ, लेकिन स्टिल कोशिश ही होगी क्योंकि डिटेल जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। जितनी डिटेल मैं दे पाऊँगा मैं दूँगा। इसके अंदर सबसे पहला MCQ लिखा हुआ था, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नेचुरल नंबर्स, ओ सॉरी रैशनल नंबर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। देखो सबसे पहले एक वर्ड है ग्रुप, ये ग्रुप इंग्लिश वाला ग्रुप नहीं है कि आपने दो तीन लोग जमा हो गए ग्रुप है, किसी भी चीज़ को सेट ऑफ चीज़ को आप ग्रुप बोल दो जो भी है, ठीक है। मैथ के अंदर ग्रुप का मतलब क्या होता है गौर से समझना होगा आपको। देखो ग्रुप के अंदर टोटल चार चीज़ें होती हैं, अगर उन चार चीज़ों को वो फॉलो कर रहा है तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप जैसे हम रियल लाइफ में कम्बिनेशन बोलते हैं ना कि चार पांच बंदों का ग्रुप, ये मैथ में भी वही होता है कि ग्रुप में एक आपके पास होता है सेट S बोल दो और एक आपके पास होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन को हम ये स्टेरिक से शो कर रहे होते हैं। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप में होता क्या है, एक सेट होता है और एक ऑपरेशन, तो एक सेट और ऑपरेशन को अगर हम मिला दें तो वो ग्रुप होता है उस वक्त जब ये सेट और ऑपरेशन इन चार बातों को फॉलो करेंगे। सेट और ऑपरेशन अगर इन चार बातों को फॉलो करेंगे तभी हम इनको ग्रुप बोलेंगे, वरना ग्रुप नहीं बोलेंगे। किन बातों को फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि सिंपल एग्जांपल लेके अगर आप रियल नंबर्स को कंसीडर करो, ठीक है, और सेट क्या है रियल नंबर और उसके साथ ऑपरेशन लेट कर लो पॉजिटिव कर लो, सही। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस सेट का आप एलिमेंट ले रहे हो उस सेट के साथ आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे हमने ऑपरेशन क्या लिए पॉजिटिव, तो ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया आपके पास वो भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ, ठीक है, नहीं रियल नंबर की बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप किसी भी दो नंबर को रियल नंबर में लेट से -2 ले लो और +8 ले लो, -2 और 8, अगर -2 और 8 को आप ऐड करोगे रिजल्ट क्या आएगा 6, और 6 जो एलिमेंट है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमने जो दो एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म किया मतलब उनको ऐड किया और रिजल्ट में जो आपके पास आया है वो भी इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कि रियल नंबर जो है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब रियल नंबर में आप एडिशन कुछ भी करोगे जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर में से ही होगा, इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप तीन नंबर को पिक करो, लेट रियल नंबर की बात कर लेते हैं, लेट से 1 को पिक कर लो, 2 को पिक कर लो, 3 को पिक कर लो, इजी एग्जांपल है, और ऑपरेशन जो है, देखो मैंने बताया ग्रुप में एक चीज़ होती है सेट और एक होता है ऑपरेशन, सेट रियल नंबर था ऑपरेशन पॉजिटिव है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये वाला ऑर्डर हो कि पहले मैं 2+3 को ऐड करूं और फिर 1 के अंदर ऐड करूं, ये बराबर होना चाहिए कि मैं पहले 1 और 2 को ऐड करूं फिर मैं इनको 3 के अंदर ऐड करूं, और आपको पता है ये बराबर ही हैं, 2+3 5, 5+1 6, इसी तरह 1+2 3, 3+3 6, तो इसका मतलब है जो रियल नंबर है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिड है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए आइडेंटिटी, कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जो ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। अब अगर पॉजिटिव की बात कर रहे हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है कि अगर आप किसी नंबर में किसी नंबर के साथ किसी एक नंबर का ऑपरेशन करो आप, जैसे लेट से 2 और 0, स्टेरिक का ऑपरेशन होता है, 2 और 0 आपने कोई भी ऑपरेशन किया, मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी किया और रिजल्ट में आपके पास 2 ही आ रहा है, तो उसका मतलब है हम बोलेंगे 0 जो है वो आइडेंटिटी है। मतलब आपने एक नंबर के साथ एक और नंबर का ऑपरेशन किया और उस नंबर को कोई असर नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसे ही रहा है,
तो जिस नंबर के साथ आपने ऑपरेशन किया था ना उस नंबर को आप क्या बोलोगे? आइडेंटिटी बोलोगे, ठीक है। अभी हमने ऑपरेशन कौन सा कंसीडर किया है? प्लस किया है, तो इसको छोड़ के यहाँ प्लस लिख दो। आपको पता है 2 + 0 क्या होता है? 2 होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात करेंगे तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, 2 रहेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ होनी चाहिए कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जो भी ऑपरेशन है हमने पॉजिटिव कंसिडर किया था। तीसरी चीज़ होती है, चौथी चीज़ क्या होती है? इनवर्स। अच्छा, आइडेंटिटी होना चाहिए और वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब जीरो या आइडेंटिटी एलिमेंट है ना विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, और जीरो बिलोंग करता है रियल नंबर में से, उसका मतलब है रियल नंबर तीसरी प्रॉपर्टी को भी जस्टिफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। चौथी होती है इनवर्स, ठीक है। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ये होता है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव में बात करूँ, इनवर्स एक ऐसा ऑपरेशन होता है कि जब आप वो परफॉर्म करो रिजल्ट में आपके पास आइडेंटिटी है। जैसे अगर ऑपरेशन मैं पॉजिटिव कंसीडर करूँ, तो अगर मैं 2 के अंदर -2 ऐड करूँगा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैंने 2 के साथ एक ऑपरेशन परफॉर्म किया एक नंबर के साथ, और रिजल्ट में मेरे पास आइडेंटिटी आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव ऑपरेशन किया है ना, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है? आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। तो जिस नंबर को मैंने इसके अंदर ऐड किया था ना, उस नंबर को मैं क्या बोलूँगा? वो इनवर्स है इसका, जिसको एडिटिव इनवर्स हम बोलते हैं। दोबारा बताता हूँ, ऑपरेशन सबसे पहले क्या? पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं 2 के अंदर कुछ ऐसा नंबर ऐड करता हूँ कि रिजल्ट में मेरे पास आइडेंटिटी आए, तो उसका मतलब है जो मैंने नंबर ऐड किया वो इनवर्स है, ठीक है। अगर आप गौर से देखो, 2 कोई भी एक नंबर आप रियल नंबर में से पिक कर लो, ठीक है, उसका आप इनवर्स निकाल लो। जैसे 4 को पिक कर लो, 4 का इनवर्स क्या होगा? -4। इसके अंदर ऐड करोगे रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो भी आप सेट से नंबर पिक करो उसका इनवर्स जो है वो भी सेट के अंदर होना चाहिए। तो आपको पता है -4 उसके अंदर है, दैट्स वाई इनवर्स भी इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको अब हम क्या बोलेंगे? हम ग्रुप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसने चारों पॉइंट को सेटिस्फाई किया। तो अब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि ग्रुप में सबसे पहले एक सेट होता है और उसके साथ कोई भी ऑपरेशन होता है, उसको इन दो चीज़ों को हम ग्रुप उस वक्त बोलेंगे जब उन चार चीज़ों को सेटिस्फाई करेंगे। अगर इन चार चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेट से किसी एक या दो को सेटिस्फाई करेंगे, तो फिर हम ग्रुप नहीं बोलेंगे उनको, हम कुछ और बोलेंगे। ये तो हो गया ग्रुप की डेफिनेशन। फिर मैं आपको एक पांचवी चीज़ लिखवाता हूँ, एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कमुटेटिव। कमुटेटिव होना क्या होता है? लेट से रियल नंबर और पॉजिटिव की एग्जांपल लेते हैं कि रियल नंबर में से कोई भी नंबर 2 पिक करो, लेट से 2 पिक कर लो और 4 पिक कर लो, 2 + 4, 4 + 2, दोनों का आंसर 6 आ रहा है। इसका मतलब है रियल नंबर जो है वो कमुटेटिव भी है, ठीक है। तो पांचवी प्रॉपर्टी ये है। अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ ग्रुप समझाया, बाकी और मैंने कोई बातें नहीं समझाई। अब बाकी बातें मैं समझ लो। देखो, अगर एक सेट है और एक ऑपरेशन है, ठीक है, एक सेट है और एक ऑपरेशन है, अगर वो सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक सेट और एक ऑपरेशन सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो ना एसोसिएटिव है, ना आइडेंटिटी एलिमेंट है, ना इनवर्स है, ना कमोटेटिव है, वो सिर्फ इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? कि अगर एक सेट और एक ऑपरेशन सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। जैसे जो 4 को सेटिस्फाई करते हैं हमने एक नाम दिया हुआ है ना ग्रुप, इसी तरह जो 1 को सेटिस्फाई करता है हमने नाम दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अगर कोई इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, कोई सेट और कोई ऑपरेशन इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्लोजर भी है और वो एसोसिएटिव भी है, तो उसका हमने नाम दिया हुआ है एक, जिसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। अब है कि जो अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा, वो क्लोजर भी होगा, वो एसोसिएटिव भी होगा और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, तो उसका हमने नाम दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं मोनॉइड, ठीक है। अगर किसी की स्पेलिंग या कुछ भी एरर हो तो मैं एडिट में लगा दूंगा, ठीक है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अच्छा, जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे उसको हम मोनॉइड बोलते हैं, और जो इन चारों को सेटिस्फाई करे उसको क्या बोलेंगे? कहाँ से एरो बनाऊँ? जो इन चारों को सेटिस्फाई करेगा उसका मैंने अभी नाम बताया था, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि जो इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। जो इन चारों को बैक वक्त फॉलो करेगा, अभी मैं सब बैक वक्त की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक को फॉलो करे बाइनरी ऑपरेशन, अगर वो दोनों को फॉलो करें तो सेमी ग्रुपॉइड, अगर वो तीनों को करे तो मोनॉइड, और अगर वो चारों को करे तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप, ठीक है। अब आखिरी क्या है कि जो इन पाँचों को करेगा,
जो पांच की पांच प्रॉपर्टी को करेगा उसका स्पेशल नाम है जो आपने सुना होगा, एबिलियन ग्रुप। अब एबिलियन की भी पता नहीं क्या स्पेलिंग है यार, हद होगी, किसी की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, बहरहाल एबिलियन ग्रुप है। अगर गलती होगी मैं एडिट करके लगा दूंगा। तो ये पांच टर्म आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट आपको दो तीन तो याद होनी चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी हो तो बाइनरी ऑपरेशन, अच्छा चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो ग्रुप, पांचों को सेटिस्फाई करे तो एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप को इस तरह भी हम बोलते हैं कि ग्रुप विद कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ग्रुप है तो वो चारों को सेटिस्फाई करेगा, विद कमोटेटिव प्रॉपर्टी तो वो एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। बहरहाल पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पर निकल गई है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है ग्रुप से रिलेटेड। अब यहाँ से पूछा गया था सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर क्या होंगे, जिसमें जीरो नहीं आ रहा, बाकी सब जितने नंबर हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। रैशनल नंबर में सारे इंटीजर भी आ रहे हैं और सारे वो नंबर आ रहे हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1/2, 3/4 कुछ भी है, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं आएगा क्योंकि नॉन जीरो बोला हमने। पहला ऑप्शन क्या ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, ठीक है, अब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्यों, अगर हमने इसको लेट कर लो नॉन जीरो रैशनल नंबर है, मैं अपनी नोटेशन बनाता हूँ आर प्राइम, इसका मतलब है नॉन जीरो रैशनल नंबर, अगर हमने उसको ग्रुप बना दिया विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि वो क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो, और जीरो तो इस ग्रुप में है ही नहीं क्योंकि ये नॉन जीरो है, तो ग्रुप विद पॉजिटिव नहीं हो सकता। ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ज़रूर हो सकता है, क्यों, क्योंकि रियल नंबर में आप कोई भी दो नंबर पिक करो, लेट से -2 और 3 पिक करो, उनको मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट -6 जो कि इसी सेट में से होगा, तो पहली प्रॉपर्टी डन क्लोजर। दूसरी क्या होगी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी भाई सेम ही है, जैसे 1 × 2 × 3 बराबर होगा 1 × 2 × 3, इसका मतलब है एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है और 1 बिल्कुल इसके अंदर मौजूद है। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, क्या थी, इनवर्स, हाँ, और इनवर्स क्या होता है, इनवर्स जैसे 2 है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात करें ना, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होता है, 1/2, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आएगी। तो मल्टीप्लीकेटिव, देखो मसला होता है कि हम कौन सा ऑपरेशन चूज़ कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव था, सेकेंड ऑप्शन में हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई बात करें, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई आइडेंटिटी 1 है और इनवर्स क्या होता है, उस नंबर को आप रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो रिजल्ट में आइडेंटिटी आ रही है। अब आप देखो ये नंबर जो है ये बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह कोई भी आप नंबर उठाओगे उसका जो इनवर्स है वो इस सेट में जो है वो मौजूद होगा, इसका मतलब है चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी पढ़ो, सी में क्या लिखा हुआ है, कमोटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सी में एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है, बी में ये शुरू की चार प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ था कि वो ग्रुप है, ठीक है, लेकिन सी में कमोटेटिव भी घुसा दी है, तो आप क्या करो, आप कमोटेटिव भी चेक कर लो। कमोटेटिव ऑब्वियसली भाई, आप कोई भी दो नॉन जीरो रैशनल नंबर पकड़ो, लेट से 1/2 + 2/3, तो ये बराबर होगा 2/3 + 1/2, ठीक है, इसका मतलब है कमोटेटिव भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन ठीक तो है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा ये, क्योंकि वो कमोटेटिव भी है और उसके साथ साथ ग्रुप भी है वो, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है, जो बेस्ट आंसर है वो सी है। टू में देखो लिखा हुआ है ए, अच्छा ये स्टेरिक का मतलब ऑपरेशन होता है, कोई भी ऑपरेशन, ए स्टेरिक ई, ई स्टेरिक ए, आंसर ए ही आ रहा है, मतलब लेट से 2 * E, मतलब 2 के साथ कोई भी आपने, कोई एक नंबर है जिसको मैं ई से लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ कोई भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, या ई को पहले लिख दो 2 को बाद लिखो, दोनों रिजल्ट में आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये वही आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है कि आप 2 के अंदर 0 ऐड करो या 0 के अंदर 2 ऐड करो, रिजल्ट में क्या आ रहा है, 2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वही वाली चीज़ है कि 2 के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, 2 को कोई असर नहीं पड़ रहा, 2 का 2 आंसर आ रहा है। तो इस वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम आइडेंटिटी बोलते हैं, कि जिसको, जिसके साथ ऑपरेशन करने से कोई असर ना पड़े वो आइडेंटिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद 3 में लिखा हुआ है इन अ ग्रुप ए बी की पावर -1, अच्छा ये आप लोग याद रख लो कि ए बी की पावर -1 ये बराबर होता है b-1 a-1, ठीक है, इस चीज़ को आप जहन में रखो। उसके बाद लिखा हुआ है, अच्छा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन होगा।